गुड मॉर्निंग गाइस, माय सेल्फ उदयबीर सिंह, दिस इज़ माय चैनल जस्ट साइंस एट द रेट UBS IITM। आज हम इसमें अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं LED स्विच के साथ, बैटरी के साथ कैसे काम करता है, या LED के साथ उसकी वर्किंग कैसी है स्विच और रेजिस्टेंस के साथ बैटरी की यूजिंग करने के बाद। सो इसके लिए हमने क्या लिया, एक 9 वोल्ट की बैटरी जो, और एक उसका कनेक्टर लिया, बैटरी कनेक्टर, एक LED बल्ब लिया, एक 1K ओम का रेजिस्टर लिया और एक स्विच लिया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने LED अटैच किया, LED के दूसरे एंड से हमने रेजिस्टर अटैच किया, वहाँ से फिर हम इसमें स्विच ऐड कर देते हैं, एक स्विच ऐड कर देंगे। अब स्विच ऐड करने के बाद दूसरे स्विच के दूसरे एंड से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, सिंपल कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैटरी ही हमें कनेक्ट करनी है। ये बैटरी ली हमने, बैटरी हमने अटैच कर दी, ये स्विच है। जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे LED हमारा ऑफ हो जाएगा, जैसे ही हम ऑन करेंगे LED हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये LED की वर्किंग हुई स्विच और रेजिस्टर्स के साथ, यानी कि रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट किया हमने, सीरीज में, LED के सीरीज में हमने रेजिस्टर्स अटैच किया, क्योंकि हमें करंट कंट्रोल करनी थी इसके लिए, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है, इसलिए हमने इसको सीरीज में अटैच किया। और भी अगर हम LED या स्विच या कोई और चीज़ हम इस्तेमाल करना चाहें तो हम इसमें अटैच करते हैं सीरीज में, लेकिन यदि हम पैरेलल में अटैच करेंगे तो हमें यहाँ से कहीं कनेक्शन बीच में देना पड़ेगा, जो हम पिछले अपने वीडियो में दिखा चुके हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइज, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू।